शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। कश्तियां सब के किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। ये हमारा सौभाग्य है कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हमारे कॉलेज के इस फंक्शन में राजा सूरज सिंह, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं कॉलेज की तरफ से इनका स्वागत करता हूं और इनसे गुजारिश करता हूं कि अपने मुबारक हाथों से इनामात तकसीम करें। मिस्टर कुंदन। भाइयों और बहनों, मास्टर दीनानाथ जी के होनार बेटे कुंदन, इन्होंने अपने बीए के इम्तिहान में सारे राज्य में टॉप करके इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं इन्हें ये सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, ये पुरस्कार और अपनी तरफ से 1001 रुपया इनाम में देता हूं। भाइयों और बहनों, अगर बेटे ने पूरे स्टेट में टॉप किया है तो बाप क्यों पीछे रहे। आइए मास्टर दीनानाथ जी, तशरीफ लाइए। दोस्तों, मुझे ये सुनाते हुए फख्र हो रहा है कि मास्टर दीनानाथ जी की ये किताब दाता तेरे कई नाम और इसका तराना जो आज देश के कोने कोने में गाया जा रहा है और जिसे अभी आप लोगों ने भी सुना, भारत सरकार ने इस तराने को कौमी एकता का सबसे अच्छा तराना और किताब को साल की बेहतरीन किताब मानकर मास्टर दीनानाथ को ये मानपत्र और ये शॉल भेंट किया है। और अब मैं
मास्टर दीनानाथ जी को उनकी सच्चाई, उनकी लगन और उनकी ईमानदारी के लिए ये कलम भेंट करता हूं। यह कलम हर उस इंसान के पास है जिसने ज्ञान की शिक्षा पाई है, और कल ये तुम्हारे पास होगा। मगर बच्चों याद रखो, एक तलवार के वार से सिर्फ एक आदमी जख्मी होता है, मगर कलम से निकले हुए गलत शब्दों से लाखों लोग हलाक हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इंसान की, मुल्क की, कौम की तकदीरें इस कलम से बनती भी हैं और बिगड़ती भी हैं। मेरे दोस्तों, कभी भी इस कलम का शांति ये ले मैना। भैया आज तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। माँ जब इस चिड़िया की शादी होगी ना तो दहेज में मैना जरूर दे देना, वरना ये रोती भैया। चोर 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 शहर की बीमारियां गांव में फैलाता है, गांव वालों की जेब फटता है। अरे ओए, तू इस गांव का ठेकेदार है क्या? हाँ, ये इस गांव की हिफाजत करने वाला ठेकेदार है कुंदन, और मैं इसका यार रमजान खान। कुंदन बेटे, इसे जाने नहीं देना, ये मेरे रुपए छीन कर भागा है। अगर ऐसी हरकत दोबारा इस गांव में की तो तुझे चांद से मार डालूंगा। अरे ये लो काका। अरे बेटा तेरा लाख लाख धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो आप? मेरे पिता समान हो। अरे यार कुंदन, मैं ठहरा पठान का बेटा, लड़ना मरना मेरे खून में शामिल है, मगर यार तू मास्टर का बेटा कलम के अलावा खतरा भी मोल ले सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्त, कलम के वक्त कलम, तलवार के वक्त तलवार, हर इंसान को उठाना चाहिए। वैसे आज हाथ से ही काम चल गया। चल। ध्यान किधर है? पंडित राम प्रसाद की लड़की कमला से इश्क फरमा रहे हैं। है? इश्क अगर फरमाओगे प्यारे, याद रहे पछताओगे प्यारे, जूता तुमसे शर्माएगा, इतने जूते खाओगे प्यारे। क्या बात है, जूतों के साथ साथ पंडित जी के खड़ावे भी जोरदार पड़ेंगे प्यारे। कुंदन, तुझे अपनी शायरी पे बहुत नाज है ना? कोई शक। तो कोई ऐसा शेर सुना कि उसकी खिड़की खुल जाए। अरे खिड़की तो क्या, मैं दरवाजा तक खुलवा दूंगा। आइए आइए, तशरीफ रखिए। क्यों, खुलवा दो खिड़की? आइए खुलवाइए। दौड़ पड़ती है अब भी नंगे पांव। क्या दौड़ेगी? दौड़ेगी तो बड़ा ना। दौड़ पड़ती है अब भी नंगे पांव, सुनते ही दूर से मेरी आवाज। क्या बात कही उसने। हमारे यार कुंदन भाई, तुम तो नंगे पांव की बात कर रहे हो, वो तो जूता पहनकर भी नहीं आई। अरे यार कुंदन, तेरी शायरी की उड़ान में दम नहीं है। अरे यार कुंदन,
ये ले पत्थर और अल्लाह का नाम लेकर मार, खिड़की खुद ब खुद खुल जाएगी। अरे जा भाई। साथ निशाना ठीक लगाना, कहीं पड़ोसन की खिड़की ना खुल जाए। अब तो दीदार करा दे मेरी लैला मुझको, वरना पत्थर से ये मारेंगे मेरे यार मुझे। लगी तो नहीं। लाला, तुम्हारा मुनीम जबरदस्ती हमारे बैल खोलकर ले आया, ये भी कोई बात है? अरे चिंता क्यों करती हो चाची, अगर बैल बेचकर तुम्हारा ब्याज पूरा ना हुआ तो फिर तुम्हारे खेत की बीमारी आएगी। भगवान से डरो लाला, मेरा बेटा पुलिस में था, देशद्रोहियों ने उसे गोली मार दी। अरे अगर उसे गोली मार दी तो तुम लोग मुझे क्यों गोली मार रहे हो? हाँ, ब्याज के पूरे पैसे दे जाओ और अपने बैल ले जाओ। लाला मेरे पास सिर्फ 230 रुपए हैं, मेरे बेटे की आखिरी कमाई, ये लो। 230 रुपए बैलों के चारे के लिए हैं, जब तक चारा रहेगा तब तक तेरे बैल नहीं बिकेंगे। लाला अगर हमारे बैल बिक गए तो हम खेती कैसे करेंगे? अरे बेटा तेरा बाप तो चला गया, अब तेरा दादा भी जाने की तैयारी में है, फिर खेती कौन करेगा? मैं करूँगा बड़ा होके। तो फिर बेटा बड़ा होकर लाला की रकम दे जाना और अपने बैल ले जाना। अब जाओ जाओ यहाँ से। अब शांति तू मटकी अपने सर पे रख। अरे नहीं भैया नहीं, अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो मैं कहानी जरूर हो जाऊंगी। क्यों, तुझे अपने भैया पर भरोसा नहीं? चल जल्दी रख। पहले मेरी होली कर डाली। अरे पगली, ये तेरे भैया के प्यार की होली है, अब तो अपने सर पे पहले सेब रख, बाद में अंगूर रख। अरे तुम पति, पिताजी आप? जी हाँ मैं, इस सेब को अपने सर पे रख। और फिर देख निशाना अपने बाप। एक मिनट पिताजी, एक मिनट पिताजी, पिताजी अपना चश्मा पहन लीजिए, कहीं निशाना चूक गया तो मैं जिंदगी भर के लिए सूरदास बन जाऊंगा। आप भी कमाल करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। वाह आप भी खूब कह रही हैं, जब ये मेरे शेरों पे शेर कह सकता है तो मैं भी इसकी होली चला सकता हूँ। शेर? जी हाँ शेर। ये शेर तूने ही लिखे है ना? जी हाँ पिताजी, जैसे भी है आप ही की तालीम का नतीजा है। शाबाश, काम जारी रख, और अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन तू इस देश का बहुत बड़ा शायर होगा। यह कलम मेरी सारी जिंदगी की तपस्या का इनाम है, मेरी पूंजी है। मैं चाहता हूं कि जो काम मैं अपनी उम्र में पूरा ना कर सकूं वो तू इस कलम से पूरा करे। गालिब और तुलसीदास का साथी था यह कलम, कुसरो कबीर नानक की वाणी था ये कलम। दाता के बाद सबका निगेबान है कलम, मेरी नजर में धर्म है ईमान है कलम।
नाग देवता, तू सचमुच का नाग बनकर इन गांव वालों की बुद्धि को डस ले, उनकी अकल को चौपट कर दे, ताकि मेहनत वो करे और फल मैं खाऊं, वो भूखे मर मर के अपने सब कुछ मेरे पास गिरवी रखते रहे और मैं दौलत के सागर में तैरता रहूं, लखपति बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं, दौलत के मैदान में जितने भी पति है सबके सब बन जाऊं। जय हो नाग देवता, जय हो, जय हो। आए अरे उनका बेटिया सुबह सुबह कहाँ जा रही है? बापू जाते वक्त का मत करो, काम बिगड़ जाता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ले जाने से पहले मुंह मीठा कर ले, सब काम सफल हो जाएंगे। जा। अरे अरे सोना रानी, कहाँ चली भरी तू पिनिया में है? आजो आजो मेरी चुंदी में आजा, वरना सोना पिघल जाएगा। अरे इस डिब्बे में क्या है जरा देखो तो सही। हाथ दूर रख अपने लाला, इसमें राधा चाची का खाना है। ओहो राधा देवी की भूख का बड़ा ख्याल रखती हो, अरे जरा इस गरीब की प्यास का भी ख्याल रखा करो, जो तुझे देखते ही भड़क उठती है। तालाब में बहुत पानी भरा है लाला, जाके डुबकी लगा ले, सारी प्यास बुझ जाएगी। हाय हाय सोना रानी, अगर तू साथ दे तो चुल्लू भर पानी में भी डुबकी लगा लू। तो लगा ले डुबकी और डूब जा। आए। चुड़े, मर्दों की टांग में टांग फंसाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरी टांग में टांग फंसाने में क्या शर्म, ये टांग तो मेरी होने वाली है। अच्छा। हाँ बस तैयार हो जा, शांति के विदा होते ही अलका तेरे घर पहुँचने वाली है, फिर मेरे पहुँचते ही तेरा इधर उधर मुंह मारना बंद, तेरे गले में रस्सी डालकर खूंटे से बांध कर रखूंगी तुझे। फिर खूंटे से बांध कर तू क्या करेगी? मेरे दिल में जो भी आएगा सब करूंगी, कुछ नहीं छोड़ूंगी। अरे बता तो दे, तेरे दिल में क्या क्या आएगा और तू क्या क्या करेगी? ये बातें अभी बताने की थोड़ी ही है, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी। तो जल्दी बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि दिल के अरमान कलेजे के खूंटे में लटक कर ना रह जाए। अरे कुंदन,